Hello everyone, I am Apeksha Jain and welcome to my new channel Apeksha Tutorial. आज हम इस वीडियो में आपको इंटीजर्स के बारे में बताएंगे. लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. और हाँ, उसके पास बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर एवरी न्यू नोटिफिकेशन. थैंक यू. हाँ, तो आज हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे. इंटीजर्स क्या होते हैं, उनका एडिशन क्या होता है, उनका सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं. बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स इज अ नंबर. ठीक है, लेकिन किस तरीके के नंबर्स होते हैं, इनमें किस तरीके के नंबर्स आते हैं, तो हमने पढ़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स. लेकिन इन नंबर्स के साथ अगर मैं जीरो को शामिल कर दूं, ठीक है, इसको शामिल किया जीरो को, देन दिस नंबर विल बी बिकम होल नंबर. ठीक है, अगर नेचुरल नंबर्स के साथ आप जीरो को शामिल करेंगे तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स. लेकिन इन नंबर्स के साथ अगर मैं कुछ नेगेटिव नंबर्स को साथ में ले लूँ, तो जैसे कि -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है, कुछ नेगेटिव नंबर्स. 0 अपने आप में एक इंटीजर है और ये सारे नंबर्स क्या है, पॉजिटिव. बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं, सम कॉम्बिनेशंस ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ऑल्सो इंक्लूडेड जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. मतलब इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आता है. ओके, इंटीजर्स अपने आप में एक कंप्लीट नंबर होता है, जैसे कि 52, 6107, 32, 699, ये सारे क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है. लेकिन इंटीजर्स के अंदर क्या नहीं आता है, इंटीजर्स के अंदर क्या नहीं आएगा, पी अपॉन क्यू वाले, दैट इज फ्रैक्शन. लाइक 3/5, 6/2, ये सारे फ्रैक्शंस होते हैं. तो इंटीजर्स के अंदर फ्रैक्शन नहीं आता है, डेसिमल नहीं आता है, रैशनल नंबर नहीं आता है. तो इंटीजर्स के अंदर क्या नहीं आता है, फ्रैक्शन नहीं आता है, डेसिमल नहीं आता है और रैशनल नंबर नहीं आता है. ये तीनों नंबर इंटीजर्स के अंदर नहीं आते हैं. इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, सम नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. ओके, सो हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि नंबर लाइंस पर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, मतलब कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. उसके बीच में क्या होगा, जीरो. जीरो के राइट हैंड साइड पे जाने के राइट हैंड साइड पे जाने पे क्या आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स. ओके, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जाने पे क्या आएगा,
सारे नेगेटिव नंबर्स, ओके? मतलब कि आपको पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइंस पर, तो आपको जीरो के राइट हैंड साइड पे जाना होगा, और अगर आपको जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो आपको सारे नेगेटिव नंबर्स फाइंड आउट होंगे। जैसे कि आपको बोला जाए कि नंबर लाइंस को -6 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, -4, -5 एंड -6, ये नंबर्स इंफिनिटी तक भी हो सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि 8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 5, 6, 7 एंड 8, ओके? सो बेसिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला है कि जीरो के राइट हैंड साइड जाने पर आपको सारे पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट होते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाने पर सारे नेगेटिव नंबर्स फाइंड आउट होते हैं। दैट इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का एडिशन कैसे करना है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वो सारा हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है? तो एडिशन कैसे होता है, हमें याद है कि प्लस प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, माइनस प्लस ऑलवेज माइनस, माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस। दैट मीन्स कि अगर आप दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और दोनों नंबर पॉजिटिव में है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, प्लस में आएगा, मतलब दोनों नंबर का एडिशन होगा और उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपका एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, दैट मींस कि आपके बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा, सब्ट्रैक्शन का, मतलब उन दोनों नंबर्स के बीच क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, दोनों के बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और दोनों नंबर नेगेटिव में है तो उनके बीच क्या होगा, एडिशन होगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, 60 प्लस 20, देखिए 60 क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर, 20 भी क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर, दैट मींस कि दोनों के बीच क्या होगा, एडिशन होगा। तो 60 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 80। 60 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 80, मतलब 60 भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, 20 भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका आंसर 80 भी क्या आया, पॉजिटिव आया। रिमेंबर दैट ये जो आगे साइन लगता है वो हमेशा लार्जर नंबर का साइन लगता है। यहाँ पर 60 क्या था, एक लार्ज नंबर था, ठीक है? तो लार्ज नंबर का साइन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो 60 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 80। सिमिलरली प्लस 60 माइनस 20, 60 है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, और 20 है वो क्या है, नेगेटिव है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 60 में से 20 गया तो 40, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, बिकॉज 60 आपका क्या है, लार्ज नंबर है, ओके? सो नेक्स्ट, माइनस 60 प्लस 20, माइनस प्लस माइनस, 60 में से 20 गया तो माइनस 60 प्लस 20, 60 में से 20 गया तो 40, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस 40, क्यों, क्योंकि 60 के आगे साइन क्या है, माइनस का है। अगेन माइनस 60 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, 60 प्लस 20 80, लेकिन आगे साइन क्या आएगा, माइनस का, बिकॉज 60 आपका क्या है, माइनस का, ठीक है? दिस इज द बेसिक चीज कि आपको 60 प्लस 20 80, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन आपका 60 प्लस में था तो आंसर प्लस में आया, 60
माइनस 60 प्लस 20 प्लस माइनस होता है 60 में से 20 गया तो 40 लेकिन 60 आपका माइनस में था जो कि लार्ज नंबर है तो साइन क्या आया माइनस का आया माइनस 60 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस होता है तो 60 प्लस माइनस 60 माइनस 20 माइनस का 80 दैट मींस कि दोनों चीजें ऐड हुई लेकिन साइन क्या आया माइनस का बिकॉज 60 है वो आपका लार्ज नंबर है ठीक है This is the basic rules of addition. अब आपको कहा जाए subtract 320 from 520. आपको कहा जाए कि number 320 को minus 520 में से सब्ट्रैक्ट करना है दैट मीन्स कि माइनस 520 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 320 को सबसे पहले मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है तो उसको आपको आराम से रीड करना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ठीक है जब तक आप उसे आराम से नहीं पढ़ेंगे उसमें से आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तब तक हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं तो आपको रीड करना है सबट्रैक्ट 320 फ्रॉम माइनस 520 मतलब कि माइनस 520 में से आपको 320 माइनस करना है ठीक है तो माइनस 520 में से आपको किस चीज को माइनस करना है 320 को रिमेंबर वन थिंग अगर एक से ज्यादा साइन है तो आपको हमेशा ब्रैकेट का यूज करना है ब्रैकेट यूज करने से आपके प्लस माइनस में मिस्टेक्स नहीं होगी ठीक है तो माइनस 520 माइनस 320 ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो माइनस 520 में से 320 को माइनस कर दिया तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस तो 520 प्लस 320 कितना हो जाएगा 0, 4, 8, 8, 40 लेकिन आपका आंसर किस में आंसर आएगा माइनस में क्यों क्योंकि आपका लार्ज नंबर क्या था 520 और 520 का साइन क्या है माइनस का ठीक है तो इस तरीके से आपको कोई भी सब्ट्रैक्शन दिया जाए तो आप कर सकते हैं जैसे कि आपको गिवन हो 84 में से सब्ट्रैक्ट 84 माइनस 84 फ्रॉम 100 ठीक है तो क्या करना है 100 में से आपको क्या माइनस करना है माइनस का 84 तो 100 माइनस माइनस ऑलवेज प्लस 84 ब्रैकेट को ओपन कर दिया माइनस माइनस प्लस तो 100 प्लस 84 184 ये आपका क्या हो गया ठीक है इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल्स एक्सरसाइज की कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है किस चीज का एडिशन करना है एडिशन करना है तो क्या साइन दिए गए हैं नंबर्स में ठीक है तो बेसिकली क्या हो रहा है अगर दो नंबर जो इंटीजर्स हैं तो उनका एडिशन भी क्या आता है एक इंटीजर्स आता है यहाँ पर 84 भी इंटीजर्स था 100 भी इंटीजर्स है दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर जो आया वो भी क्या था एक इंटीजर्स था ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी ठीक है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है अगर ए और बी आपके कोई दो इंटीजर्स हैं ए और बी आपके कोई दो इंटीजर्स हैं तो उनका एडिशन भी क्या होगा एक
क्लियर होगा और उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा एक इंटीजर होगा जो कि हमने अभी पढ़ा मतलब कि आपके दो नंबर ए और बी को इंटीजर्स हैं ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ठीक है तो ए और बी को इंटीजर्स हैं तो उनका एडिशन भी क्या होगा इंटीजर होगा उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा ए इंटीजर होगा लेट सपोज 1 + 2 is equals to 3. Here 1 is A, 2 is B and 3 is also A plus B. A क्या था? एक integer था. B क्या था? एक integer था. और A plus B भी क्या है? एक integer है. ठीक है? ये जो हमने अभी पढ़ा, integers का addition, subtraction जो भी पढ़ा, वो सब क्या था? As a closure property. ठीक है? हमारी second property है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन A plus B is equals to B plus A. अगर A और B आपकी दो इंटीजर्स हैं, A plus B है वो B plus A के इक्वल होता है. कैसे? जैसे कि 52 plus 30 is equals to 30 plus 52. हम चेक करेंगे क्या दोनों साइड का आंसर सेम आ रहा है. यहाँ पर 52 क्या था? एक A 30 B यहाँ पर 30 B है और 52 क्या है A तो A plus B is equals to B plus A yes 52 plus 30 कितना हो गया 82 और यहाँ पर भी 30 plus 50 क्या हो गया 82 ठीक है that means कि आपका जो LHS है वो आपके RHS के बराबर है LHS क्या होता है लेफ्ट हैंड का जो होता है और RHS क्या होता है राइट हैंड साइड इसके हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए दैट मींस कि आपकी प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड करती है सिमिलरली इंटीजर्स के अंदर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एग्जिस्ट करती है क्या ये चीज एडिशन के लिए तो प्रूव हो गई लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए प्रूव हो रही है वो देखते हैं अगर a plus b की जगह a minus b is equals to b minus a हो a minus b और b minus a हो तो क्या हम दोनों वैल्यू सेम आ रही है LHS और RHS की वो हम फाइंड आउट करेंगे 52 minus 30 30 minus 50 2 that means a minus b is equals to b minus है कि नहीं है वो हम चेक करेंगे 52 में से 30 क्या कितना हुआ 22 is equals to 30 में से 52 क्या देखो ये प्लस का 52 था और ये माइनस का 30 था तो प्लस माइनस ऑलवेज क्या होता है माइनस तो 52 में से 30 क्या तो 22 लेकिन हमारा आंसर पॉजिटिव आया क्यों बिकॉज़ 52 हमारा क्या था पॉजिटिव लेकिन यहां पर देखिए ये 30 क्या है हमारा प्लस का है और 52 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस दैट मींस कि 52 में से 30 गया तो 22 लेकिन हमारा आंसर किस में आया नेगेटिव में क्यों क्योंकि 52 हमारा लार्ज नंबर था जो कि नेगेटिव में तो क्या हमारे LHS और RHS इक्वल है नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर 22 पॉजिटिव है और यहाँ पर 22 है वो क्या नेगेटिव है दैट मींस कि LHS इज डज नॉट इक्वल्स टू RHS दैट मींस कि a माइनस b इज डज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a तो इसका रिजल्ट क्या हुआ हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो एग्जिस्ट करती है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, ठीक है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, देन ए प्लस बी प्लस सी is equals to a plus b plus c. ठीक है, क्या कह रही है associative property? If a, b and c are three integers, then a plus b plus c is equals to a plus b plus c. लेकिन आपने यहाँ order क्या लिया है? पहले आपने b plus c को add किया है, उसके साथ उसके बाद उस value को a के साथ add किया है. Is equals to पहले यहाँ पर a plus b को add किया है, then इस value को c के साथ. कैसे? जस्ट सपोज एग्जांपल ले लीजिए, ए आपका 1 है, बी आपका 5 है और सी आपका 8 है, ठीक है. तो 1 प्लस 5 प्लस 8, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सारा रूल ब्रैकेट का है. इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 प्लस 8. पहले हम 5 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो क्या आया? 13 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 6 प्लस 8, 13 प्लस 1 14 और 6 प्लस 8 इज आल्सो 14. दैट मींस कि हमारा एनएचएस है वो आरएचएस के बराबर है. दैट मींस कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है. क्या ये चीज सेम चीज सबट्रैक्शन के लिए फॉलो होती है? लेट्स चेक. a माइनस b माइनस c इज इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c. लेट्स चेक, a की वैल्यू क्या थी? 1, माइनस b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 8 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 माइनस सी की वैल्यू 8. सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 5 में से 8 गया तो माइनस का 3. देखिए यहाँ पर 5 पॉजिटिव था और 8 नेगेटिव था. 8 आपका बड़ा है तो सिंबल आया, साइन आया माइनस का, लेकिन 8 में से 5 गया तो 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 माइनस का 4 माइनस 8. 1 माइनस 5 प्लस का 1 माइनस का 5, दैट मींस कि प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से बन गया तो 4, लेकिन आंसर आपका नेगेटिव में आया बिकॉज 5 है वो लार्ज नंबर है और लार्ज नंबर का साइन क्या है? माइनस का, ठीक है. ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 8, 1 प्लस 3 4 और यहाँ पर माइनस 4 माइनस 8 माइनस का 12. लेकिन क्या आपका एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है? नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर एलएचएस में 4 आ रहा है और आरएचएस में माइनस 12 आ रहा है. दैट मींस कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है. हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी एडिशन के लिए तो एग्जिस्ट करती है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करती. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो एग्जिस्ट करती है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करती, ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी X.
existence of additive identity. ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए इज अ इंटीजर देन ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए, ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए, देन जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी इंटीजर्स के अंदर जीरो को ऐड करेंगे तो आपको इंटीजर्स वापस मिलेगा. मतलब क्या, क्या आंसर में वही इंटीजर्स वापस आएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू में या किसी भी इंटीजर्स को आप जीरो से ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, वही इंटीजर्स हमें वापस मिलता है. ठीक है, तो a प्लस जीरो इज इक्वल्स टू a, तो जीरो हमारा क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए 26 प्लस जीरो इज इक्वल्स टू 26. 26 आपका a था, जीरो तो अपने आप में ही, और 26 आपका आंसर भी क्या आया, a आया. तो यहां पर जीरो क्या कहलाया, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, तो वेरी सिंपल, अगर आप किसी इंटीजर्स को जीरो के साथ ऐड करते हैं और आपको वही इंटीजर्स वापस मिलता है तो दैट मींस कि जीरो अपने आप में क्या कहलाएगा, एक एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एंड फोर, एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट हमने पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी इज इंटीजर एंड a माइनस बी इज इंटीजर. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a b c इंटीजर्स हैं तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c. और एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, फॉर ऑल a, a प्लस जीरो is equals to a, then zero is additive